यार यहाँ पे इन्होंने फंसा दी है बीच में इतनी। ट्रैक्टर ही निकालेगा अब तो। अभी हम यहाँ से आ रहे हैं वाटर क्रॉसिंग करते हुए, उसके बाद हमने देखा ये, अब हम यहाँ से ऊपर चढ़वाएंगे पहले थार को, सीआरडी को, फिर उसके बाद हम 150 को चढ़ाएंगे। यार यहाँ पे इन्होंने फंसा दी हुई है बीच में, इतने स्लो ला रहे थे, यहाँ पे स्लो थोड़ा बनती है यार बीच में। अब 10 की हुई है ये वैसे भी, बैक कर ले पूरी, रिवर्स में, रिवर्स में। निकाल दे, निकाल दे, पीछे पीछे पीछे, आगे नहीं करना। और फंस गई यार। तो ये तो यहाँ पे ना गाड़ी फंस चुकी है समन्वय की, और क्यों 4x4 क्या पूरा एंगेज नहीं हुआ था तो, और कह रहे हैं रेस नहीं पकड़ा। अब देखते हैं, अब यहाँ से करते हैं उसको विंच करते हैं और निकालते हैं उसको बाहर। तो यहाँ पे ऋषभ भाई विंच लेके जाते हैं। भाई गाड़ी में बैठना, करो करो, खिंचो खिंचो, बस बस ब्रेक पे पैर रखना, टायर सीधा रख के बस ब्रेक पे पैर रखना, बस अरे हट जा आगे, करो 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 करो। ये आ गई हमारी पहली रिकवरी आज की, रखे रखो, ठीक है ठीक है। हाँ सही, बहुत बढ़िया, निकल गई निकल गई। एक मिनट सुमन, नहीं रुक जा, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, रुक जा, स्लो स्लो कर ले विशाल। कुछ भी नहीं है, बीच भी अंदर है, उधर निकल नहीं रही है।
सो यार हम यहाँ पे रील शूट कर रहे हैं यूजुअल, बट पता नहीं इतना स्लशी है तो ये फंसी गई यहाँ पे। तो ये विंच की या हाफ विंच है और हाफ टोस्ट अप किया हुआ, देखते हैं अब यार निकल रही है। नहीं टायर सीधा, टायर सीधा भाई, थोड़ा सा जगह जोर लाइए, टायर सीधा है ना, इस तरह नहीं, टायर सीधा करो। बे साइड साइड जाओ सारे, आगे आगे आगे। विंच के सारे साइड जाओ, और साइड जाओ, साइड जाओ। दब अब विंच से तो कुछ हुआ नहीं, पीछे टो स्ट्रैप लगाते हैं, फॉर्च्यूनर से खींचने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। लग तो नहीं रहा फॉर्च्यूनर को रिकवर कर पाए क्योंकि इतनी हैवी गाड़ी है ये, बट होप्स तो कर ले यार। ट्रैक्टर ही निकालेगा अब, देखते हैं। पहले लिफ्ट करेंगे गाड़ी हल्की सी ऊपर, गाड़ी थोड़ी सी ऊपर उठाना चाहते हैं ताकि टायर सीधा हो जाए। टायर ना टेढ़ा हो गया जिसकी वजह से विंच से भी ये बाहर नहीं आ पा रहा है। एक बार टायर सीधा करेंगे हल्की सी चेसी उठा के, फिर देखते हैं। सो अब हमने यहाँ पे ना इसको शैकल लगा दिया हुआ है, अब उठाते हैं यहाँ से, कोशिश करते हैं उठाने की ट्रैक्टर से। और चुक हो गई, चुक देखो कितना कितना टायर अंदर था कि उसको इतना जोर लगाना पड़ा। आगे 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 ले जाओ, हाँ नहीं 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 नहीं, ये टूट जाएगा, टूट जाएगा, ये करो करो आगे करो। सो यार यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग हो रही है अभी क्योंकि फंस गई है इतनी गाड़ी, ट्रैक्टर से भी ऊपर उठा ली हुई है बट अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है। सो यार अब तो मतलब पट्टा भी चेंज किया अभी, मतलब इतना वो टायर इतना अंदर धस गया हुआ है कि वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा वो। क्योंकि ट्रैक्टर भी इतना फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे बंदे हमने ऊपर चढ़ाए हैं बट कोई फायदा ही नहीं हो रहा अभी। यहाँ पे तरुण भाई अभी ना हब अनलॉक कर रहे हैं। एक एक सर्कल ना पूरा पीछे घुमाओ, पीछे 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 पीछे, रुको रुको ये पीछे में हुआ। रिवर्स में होता है यार, वही वही कर रहे थे, वही कर रहे थे अभी। एक टायर था ये। सो यार अभी ना सब ट्राई कर लिया, तरुण भैया यहाँ से बेलचा मार रहे हैं, थोड़ी मिट्टी हटा रहे हैं। करें ट्राई, करो करो ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, करो 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 ट्राई। अभी भाई जोर ही लगाना है, जैसे मर्जी लगाओ जोर, बट जोर लगाओ अभी। काज मार चलो यार। हाँ जी हाँ जी, रिम खाली है ना, चलो 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 बैठो, चलो लो लो लो, चलो इधर वापस। टायर सीधा हो गया, टायर सीधा हो गया। हाँ लो,
जूसी भाई की आई बुरी हालत हो गई हुई है, गाड़ी देख रहे हो आप। बस दो पटे लाइए जितनी भी। ये हमारे एसटीआर भाई भी लग गए हैं। ये बड़ी मुश्किल से गाड़ी के हल से अभी टायर सीधे किए हैं गाड़ी के, तो अब देखो विंच लगा के एक बार रिकवर करके देखते हैं क्या बनता है इसका। कोशिश तो पूरी है कि अब विंच से निकल जाए। आगे सुमन्यू भाई की गाड़ी लगाई है, ट्रैक्टर ने जितना करना था उतना कर लिया। रोन भी आप निकलेगी यार, इसको बोल लाइट बंद कर। तरुण भाई ऑपरेट कर रहे हैं अभी। ये लॉन्गेस्ट बेंच रिकवरी हो रही है आज, विंच भी लगी है पूरी और साथ में स्ट्रैप भी पूरा लगा है। अभी भी फर्स्ट रिकवरी के बाद कोई हुआ नहीं है फायदा, अब देखो शायद रेता निकाल के कुछ बन जाए, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ऋषभ इस टाइम तो निकालनी गाड़ी। अब तो गाइस बहुत बड़ी रिकवरी के बाद अभी गाड़ी निकली है बाहर। गाड़ी फंस रही है एक बार फिर से। ऋषभ एक बार विंच लगा के थोड़ी सी और आगे कर लेते ऋषभ। अब मुझे लग रहा है इसका ना पूरा फुल काम नहीं कर रहा, एक्सल का इशू होगा, या तो एक्सल बाहर निकल गया होगा या तो एक्सल टूट गया होगा, कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमने जोर बड़ा ज़्यादा लगाया पीछे, उसकी वजह से एक्सल पता नहीं अब एक्सल का ही इशू है या कुछ और है, बाकी वो कल मैकेनिक के पास जाके पता चलेगा। अब वही है फिर से विंच एक बार विंच रिकवरी कर रहे हैं एसटीआर भाई, अपने लेके जा रहे हैं विंच। ठीक है एक बार फिर से रिकवरी दे रहे हैं, निकल तो रही है। अब अभी होल देख लो जो बन गया हुआ है यहाँ पे, पैच देखो क्या बन गया हुआ है। कभी भी नहीं आती ऐसे रिकवरी, कुछ कर रहे हैं विंची कर नहीं बोल रहे हैं, कभी पीछे करो इधर विंची करके निकल रही है। कितना निकलेगी जान दो थोड़ी गड्डी लेगी, पानी पीछे करो बस, ये जगह टपंडे में निकली है। हां पानी की जान अभी भी ज्यादा रंबिया देख रहे हो आप, पूरे भर गए हुए हैं इस टाइम पे। अच्छा निकलेगी तो निकल, देखते हैं कि क्या पोजीशन है। तो मेन यही लग रहा है कि एक्सल टूट गया हुआ है इसका। अब एक बार पिट स्पॉट ब्रदर्स की गाड़ी लगी हुई है आगे, ऊपर ही कवर कर रही है।
ये पहला खड्डा तो ये था जो जिसमें गाड़ी फंसी थी, दूसरा ये था। दोनों टाइम विंच से रिकवरी किया है और अच्छी बात ये है कि विंच भी इन्हीं की गाड़ी में थी, ऋषभ भाई की गाड़ी में। ट्रैक्टर भी नहीं कर पाया रिकवरी आज, हार मान के जेसीबी भी सोचा था बुलाने के लिए, बट ये है कि अब देखते हैं एक बारी पार जाके कि क्या बनता है। ये भाई वो एक्सल टूट गया है, सारी ग्रीस बाहर आ गई है, अब एक्सल पड़ेगा नया, फिर अगले हफ्ते आएगी फिर से 4x4, अब ये चलेगी 4x2। पूरा ऑफ रोड इजी था, लास्ट में थोड़ा एक्सट्रीम हो गया भाइयों। अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ, आज हमारी गाड़ी का एक्सल टूट गया है, लेफ्ट साइड का एक्सल टूट गया है, जो कि मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, सेकेंड हैंड ले लेंगे या नया मंगवा लेंगे, दिल्ली से मंगवा लेंगे। बाकी ये शुक्र है अगर राइट साइड का टूटता। देखो मैं आपको आज एक बात बताऊंगा, ये जो थार 700 है ना, इसके जो दोनों साइड के एक्सल है ना वो सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, एक एक्सल दूसरे एक्सल से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए जो एक्सल हमारा टूटा है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, हमारे जम्मू में भी हो जाता है, पर जो दूसरा वाला एक्सल है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये अभी हम शुक्र मना रहे हैं कि जो एक्सल टूटा है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो अब बाकी के सीन्स देखते हैं, हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, चाय शाय पियेंगे आगे और सेम एक्सल मंगवाएंगे और हर संडे की तरह ऑफरोड करने भी आएंगे। ऑफरोड देखो ऑफरोड में ये नॉर्मल है, होता रहता है, बाकी ऐसे आपको पता ही है, जैसे पहले MMG गाड़ी तैयार हुई थी मेरी, उससे पहले कितनी बार मेरा एक्सल टूट जाता था या निकल जाता था, आफ्टर MMG पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा एक्सल टूट गया है, ठीक है, पर हमने ज़बरदस्ती भी बड़ी की गाड़ी के साथ, पिछले 4 महीने से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाकी टूट जब टूटना होता है तो टूटना ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी है यार मैं क्या कहूँगा आपको। बाकी फिर हर संडे की तरह आपको नेक्स्ट संडे भी मिलेंगे और सेम ऑफ रोड आपको दिखाएंगे जैसा हम करते हैं यूजुअली। और आपने यार एक चीज़ और, वीडियो व्यूज इतने ज़्यादा आते हैं, लाइक कम आते हैं, पता नहीं लोग लाइक क्यों नहीं करते अगर वीडियोस देखते भी हैं तो। उसके बाद व्यूज आते हैं 2000, 3000, 4000, 5000, सब्सक्राइबर 2500 हैं, तो अगर वीडियोज आप देखते हो तो आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी जो भी है आपके सामने है, इसी तरह आपके लिए ऑफ रोड ब्लॉग चलाते रहेंगे हम, और भी नई नई चीज़ें अगर हो पाया पॉसिबल वो भी करेंगे। बाकी टिल देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट संडे, बस इसी तरह चैनल को आपने सपोर्ट करनी है, वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी करना है अगर आप कुछ चाहते हो मेरे से कि मैं कुछ चेंजेस लाऊं वीडियो में, ठीक है, वो भी आपने देखना है, और सब्सक्राइब भी करना है यार, 2600 सब्सक्राइबर है सिर्फ, ठीक है, तो सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ यार थोड़े आप। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर और जय श्री राम।